सगड़ा पुलिस ने टाटा टिगोर कार से बरामद की हरियाणा से लाई गई 26 अवैध शराब की पेटियां। मेन रोड की बजाय लिंक रोड से शराब की खेप लेकर निकल रहा था आरोपी। क्षेत्र में इससे पहले भी कई बार हरियाणा की अवैध शराब के साथ पकड़े जा चुके हैं कई तस्कर अथवा माफिया। उपमंडल मुख्यालय सगड़ा के साथ लगते गांव रेडली के समीप स्थानीय पुलिस द्वारा टाटा टिगोर कार HP 71987 से अवैध शराब की 26 पेटियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब में 28 पेटी ऑल सीजन इंग्लिश तथा 8 पेटी रसीला संतरा नामक देसी शराब बताई जा रही है। पुलिस द्वारा शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई कार को कब्जे में लिया जा चुका है, जबकि आरोपी को डिटेन कर उसके ठिकानों से शराब की कुछ और पेटियां बरामद करने की कोशिश भी पुलिस सूत्रों के अनुसार की जा रही है। पकड़ी गई शराब फॉर सेल इन हरियाणा है और इससे पहले भी कई बार क्षेत्र में हरियाणा के शराब तस्कर तो माफिया पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जानकारी के अनुसार यहां मौजूद शराब की दुकानों अथवा ठेकों में वाइन हरियाणा के मुकाबले काफी महंगी होने के कारण बाहरी राज्य की शराब की तस्करी का धंधा ठीक ठाक चल जाता है। हालांकि पुलिस द्वारा भी आए दिन अवैध शराब पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे हैं। क्षेत्र में इससे पहले गत वर्ष 15 अक्टूबर को नौराधार में जहां अवैध शराब की 250 पेटियां पकड़ी गई थी, वहीं 12 अक्टूबर को खड़कुली में पेशेवर शराब तस्कर बताए जा रहे रणी गैंग के लोगों से जानकारी के अनुसार 70 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई थी। DSP सगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि लुधियाना गांव के उक्त आरोपी से गत साय रेडली के समीप 18 पेटी ऑल सीजन तथा 8 पेटी रसीला संतरा नामक हरियाणा में बिक सकने वाली शराब बरामद की गई और गाड़ी को कब्जे में लिया गया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि आरोपी शराब की खेप को लेकर मेन रोड से निकलने की बजाय खेगुआ सिंह मार्ग से पहले लखनऊ पहुंचा और उसके बाद बोरली लखनऊ मार्ग से सगड़ा की तरफ आ रहा था।